मिट्टी के बर्तन के खाने की कुछ बात ही अलग होती है उसके स्वाद तो लाजवाब होती ही है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है अगर आप भी आपके किचन में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखे कि इसे खरीदते कैसे है मेंटेन और सीजनिंग कैसे करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसे क्लीनिंग कैसे करनी है चलिए आज इस सारे बात को हम इस वीडियो पे दिखाएंगे नमस्कार दोस्तों हैबास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है मिट्टी के बर्तन खरीदते हुए ध्यान में रखें कि बर्तन भारी होनी चाहिए और क्रैक फ्री होनी चाहिए इसे आप ऑनलाइन या लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं इसे अच्छे से पोच के सारे धूल मिट्टी को हटाएंगे और इसे ओवरनाइट के लिए सोक करके रखेंगे इसे हम एक बड़ा सा टब में पानी भर के अच्छे से सोक करके रखेंगे आप इसमें हल्के आवाज सुन सकते हैं मिट्टी के बर्तन के पोर्स पानी को अब्सॉर्ब करता है सुबह हम इसे निकाल के धूप में सुखाएंगे ये अच्छे से सूख चुका है अब इसमें हम ड्राइस वाटर डालेंगे और इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे इस तरह करने से मिट्टी के बर्तन स्ट्रांग बनती है आप इस तरह सोक करने के बदले लो फ्लेम में राइस वाटर को अच्छे से बॉईल भी कर सकते हैं अब राइस वाटर को डिस्कार्ड करके इसे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे अब प्लेन स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब करेंगे मिट्टी के बर्तन क्लीन करते वक्त कोई भी डिटर्जेंट या सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बर्तन के ऊपर से ऑब्जॉर्ब कर लेता है और खाने में सोपी टेस्ट आ जाती है हमने अच्छे से वॉश कर लिया है इसे हम गैस पे रखेंगे और इसमें पानी भरेंगे और धीमी आंच पे पानी को उबालेंगे ध्यान रहे फ्लेम धीमी होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट खाना बनाते हैं तो अगर पॉट मजबूत नहीं है तो टूटने के चांसेस रहते हैं इसलिए हमने पहले पानी गरम किया है अब पानी उबल रही है अब इसे हटा के पूरी तरह से ठंडा करके फिर से गैस पे रखेंगे और धीमी आंच पे सारे तरफ तिल के तेल को कोट करेंगे इस तरह सीजनिंग करने से मिट्टी के बर्तन के हीट कैपेसिटी बढ़ेगी और लंबे समय तक चलेगी आप देख सकते हैं धुआं उठ रही है अब गैस को बंद करके ठंडा होने के बाद एक टिश्यू पेपर से इसे वाइप कर लेंगे अब ये बर्तन खाना पकाने के लिए तैयार है मिट्टी के बर्तन आपको बजट फ्रेंडली है मिट्टी के बर्तन चारों ओर इक्वली हीट स्प्रेड करती है और लंबे समय के लिए खाना ताजा रहता है क्ले पॉट में खाना पकाने से हमारे शरीर को कैल्शियम, फॉस्फोरस आयरन मैग्नीशियम, सल्फर जैसे कई विनरेल्स मिलते हैं। आपके खाने में एक अर्धी फ्लेवर आती है मिट्टी के बर्तन के लिए उडन स्पैचुला का इस्तेमाल करें ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना आ जाए अब बारी है क्लीनिंग की कभी भी गर्म बर्तन में पानी ना डालें सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से बर्तन टूट सकती है पूरी तरह से ठंडा करके पानी से साफ कर लेंगे अब इसमें एक चम्मच नमक आधा नींबू रस डालेंगे आप चाहो तो बेसन भी यूज कर सकते हैं और प्लेन स्क्रबर से इसे स्क्रब करेंगे डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें। ट्रेडिशनली इसे क्लीन करने के लिए ऐश की इस्तेमाल की जाती थी अगर आप डीप क्लीन करना चाहते हैं तो इसमें पानी भर के एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला के धीमी आश पे पांच मिनट के लिए उबालें। सारे बैट्समैन निकल जाएगी इसे अच्छे से पानी से क्लीन करेंगे और धूप में इसे सुखा लेंगे तो दोस्तों कैसे लगी आज की ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो के बारे में हमें कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद